हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग, आर चैनल दैट इज एडुवेंचर्स लर्निंग. हियर वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन योर एनसीईआरटी बुक्स. मोस्टली द सीबीएसई बोर्ड स्कूल्स फॉलो द एनसीईआरटी बुक्स, बट दीज वीडियोज आर वेरी मच हेल्पफुल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स एज वेल, एज द चैप्टर्स द टॉपिक्स विच वी डिस्कस हियर comes under the ICSE syllabus as well. So both the students can go through these videos and have the benefit of it. So today the topic that we are going to discuss about is reproduction, that comes under chapter 8. The topic that we will discuss today are: what is reproduction, how is this process possible, what are the types of reproduction, and what are the things which are related to these things. Okay, before this I have already uploaded all the videos of the remaining 7 chapters which are in the syllabus, जो रिप्रोडक्शन चैप्टर के पहले हैं, उन सब के सारे वीडियोस टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज मैंने सारे यूट्यूब में अपलोड किए हैं हमारे चैनल एडुवेंचर्स लर्निंग में. इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग एनी टॉपिक और एनी चैप्टर, यू कैन जस्ट गो थ्रू दीज वीडियोस. इफ़ यू स्टिल फील एनी थिंग दैट यू हैव डाउट और एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दोज टॉपिक्स, यू कैन जस्ट कमेंट मी डाउन, आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स. सो टुडे the topic of our discussion is reproduction. The initial question what arises here is कि ये reproduction का मतलब क्या है. ये जो chapter है बहुत interesting है अगर आप ध्यान से देखो, और mostly बहुत सारे बच्चों को ये पसंद होता है, बहुत लोगों को interest होती है ये chapter पढ़ने में. तो reproduction क्या है अगर इसको हम लोग two parts में divide करें, तो first part is re, जिसका मतलब होता है फिर से, एंड प्रोडक्शन का मतलब होता है जनरेट करना. तो रिप्रोडक्शन मतलब फिर से जनरेट करना. वी ऑल आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट हाउ रेसेस ऑफ स्पीसीज आर कंटिन्यूड. हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम जो स्पीसीज हैं, लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी स्पीसीज आते हैं, उन सब के बीच में जो लाइफ की रेस चल रही होती है वो किस तरह से होती है. We have seen in our families that generation from generations and so on, and the race of humans or any other species continues. So what we have seen around us is, हमने अपने family में देखा है, अपने society में देखा है, अपने relatives के साथ देखा है कि जो generation to generation लोगों का बढ़ना है, जैसे हमारे दादाजी थे, देन हमारे पापा आए, देन हम लोग आए, देन हमारे भी किड्स आएंगे. तो ये जो जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस है या डेवलपमेंट है हमारा, वो किस तरह से होता है, और ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्यों होता है, ताकि हमारे जनरेशंस आगे बढ़ सके. अगर हम लोग रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो स्पीसीज खत्म होते जाएंगे. अगर ह्यूमन बीइंग्स का एग्जांपल लें, ह्यूमन बीइंग्स अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे, जैसे डायनासोर्स में रिप्रोडक्शन का, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड कि डायनासोर्स बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन उसी तरह फिर हम लोग भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. ह्यूमन बीइंग्स नाम की कोई चीज़ रह ही नहीं जाएगी अर्थ पे. इसलिए रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग्स बट फॉर अदर स्पीसीज एज वेल. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल. हम लोग इस चैप्टर में बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ाई करेंगे. रिप्रोडक्शन एज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस. अगर हमें कोई वन वर्ड में ये पूछे कि रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, या वेरी शॉर्ट आंसर में पूछे रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, तो हम लोग बहुत क्लियरली एंड वेरी सिंप्लिसिटी के आंसर ये दे सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. अपने से छोटे लोगों को जन्म देना, आई मीन फिर से न्यू बेबीज का बर्थ करवाने को हम लोग, यंग वंस को बर्थ देने का प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं. एज यू की सी इन द पिक्चर, दिस अडल्ट डॉग गेव बर्थ टू पपीज, एंड देन दीज पपीज विल ट्रांसफॉर्म
into adult dogs, and then they become parents to new puppies, and so on. The race continues. जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये जो डॉग है उसने अपने इतने सारे पपीज को बर्थ दिया. इसकी टोटल पपीज 1, 2, 3, 4, 5, 6. अच्छा, एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें ये क्वालिटी होती है कि वो एक बार में जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो बहुत सारे यंग वंस को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, काओ के बारे में अगर आपने कभी सुना है या देखा है, तो काओ कैन गिव बर्थ टू 1 और मैक्सिमम 2 बेबीज एट वंस. लेकिन डॉग, काओ और इस तरह के जो रैबिट, इस तरह के जो एनिमल्स हैं, इनमें ये क्वालिटी होती है, इनका ये बॉडी इनबिल्ट है, ये लोग एक साथ बहुत सारे बच्चों को पैदा कर सकते हैं. तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, इसमें ये जो यंग डॉग है, अडल्ट डॉग है सॉरी, इसने बहुत सारे यंग वंस को प्रोड्यूस किया है, रिप्रोड्यूस किया है. एक टाइम के बाद ये लोग भी थोड़े बड़े होंगे, अडल्ट डॉग बनेंगे, देन ये लोग भी रिप्रोड्यूस करेंगे, इनके भी बच्चे होंगे, देन उनके भी थोड़े बड़े होंगे, वो लोग बड़े होते होते फिर उन लोग भी रिप्रोड्यूस करेंगे, फिर वो भी बड़े होते 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 फिर वो लोग भी रिप्रोड्यूस करेंगे. तो ये जो लाइफ साइकिल है ये चलता ही जाता है. अगर ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ना हो, ये जो हर स्टेज पे हो रहा है डॉग्स का अडल्ट होने के बाद, अगर ये प्रोसेस ना हो तो डॉग्स नाम के जो हम लोग स्पीसीज अभी देखते हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, हमें दिखेंगे ही नहीं. इसलिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ह्यूमन लाइफ साइकिल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और ये जो रेस है, ये जो लाइफ साइकिल है, वो हमेशा कंटिन्यू ही रहती है. नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, तो मेजरली रिप्रोडक्शन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं. 2 टाइप्स के, कौन कौन से? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज़ डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल थ्रू द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड ईदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स. जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली ये चीज़ आ जाती है कि अगर सेक्सुअल डेवलपमेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो उसमें एक मेल और एक फीमेल का इंक्लूडिंग होना बहुत ज़रूरी है. जो फीमेल्स होती हैं उनमें एग्स होते हैं जिसको हम लोग ओवम बोलते हैं, जो फीमेल होते हैं उनमें स्पर्म होते हैं. दीज बोथ गेट फ्यूज्ड, एक साथ फ्यूजन होता है इनका जाइगॉट का फॉर्मेशन के लिए, और जाइगॉट को फर्टाइल करने के बाद जो एम्ब्रायो बनता है, और एम्ब्रायो का धीरे 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 डेवलप होते होते फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, बर्थ होते मतलब इंक्रीमेंट होते होते उसके साइज में फाइनली एक न्यू बेबी का, यंग बेबी का बर्थ होता है. तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल डेवलपमेंट, जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट का फ्यूजन होता है और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है. ये दोनों फ्यूजन होता है, मिलकर हमें मिलता है जाइगॉट. ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. नाउ कमिंग नेक्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? रिप्रोडक्शन अकरिंग विदाउट द सेक्सुअल यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. ये जो रिप्रोडक्शन है इसमें मेल फीमेल का कोई रोल नहीं होता है, ना इसमें कोई यूनियन ऑफ मेल चाहिए ना ही फीमेल चाहिए. असेक्सुअल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन बोथ मल्टीसेल्युलर एंड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. ये जो टाइप का रिप्रोडक्शन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मल्टीसेल्युलर और सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म दोनों में होता है. मल्टीसेल्युलर में कौन कौन से आते हैं? ह्यूमन बीइंग्स, मल्टीसेल्युलर उनको बोलते हैं हम लोग जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं. जिन एनिमल्स में, जिन लोगों में बहुत सारे सेल्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मल्टी सेल्युलर, और यूनिसेल्युलर जिसमें सिंगल सेल होते हैं, एक ही सेल होता है जिसमें, जैसे कि अमीबा.
So these are the examples of multicellular and single cellular. हालांकि human beings में ये asexual sex reproduction जो है वो नहीं हो सकता. Human beings में asexual reproduction नहीं हो सकता. But there are several animals and organisms जो multicellular हैं लेकिन उनमें asexual reproduction होता है. I have written here human beings. आप लोग confuse मत कीजिएगा कि human beings में भी asexual reproduction हो सकती है. बिल्कुल नहीं हो सकती. Human beings में sexual reproduction ही होता है. Human beings का example मैंने यहाँ सिर्फ multicellular organisms के लिए दिया है. Some of the asexual methods are binary fission, जो कि अमीबा और बैक्टीरिया में होते हैं. बडिंग, जो हाइड्रा में होता है. फ्रैगमेंटेशन, जो प्लानेरिया में होता है. स्पोर फॉर्मेशन, जो फर्न्स में होते हैं. एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो कि ओनियंस में होते हैं. तो ये अगर आप लोग चाहो, अगर आप फ़ोन पे वीडियो देख रहे हो तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं या किन किन प्रोसेस से होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो आप यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में वो आप क्लियरली क्लैरिफाई कर रहा है कि कितने टाइप्स के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं. आप इसको याद कर लोगे या अगर 5-6 बार देखोगे तो आई गेस ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा और आपके लिए बहुत ईजी होगा इसे रिमेम्बर करना. इन दिस पिक्चर वी कैन सी कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने बात किया, इसमें कोई मेल फीमेल वाला थिंग है नहीं. इसमें क्या हो रहा है, ये जो प्लांट है इसने किसी ना किसी तरीके से, वो कोई भी तरीका हो, बाइनरी फिजन हो, बडिंग हो, फ्रैगमेंटेशन हो, कोई सा भी तरीका हो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसने और भी बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स को बर्थ दिया है या वो उसके आसपास हैं. उसके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है. तो इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का कोई रोल नहीं होता है. मेल गैमेट का भी कोई रोल नहीं है, फीमेल गैमेट का भी कोई रोल नहीं है. इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं. इसमें फर्टिलाइजेशन जैसा कोई चीज़ नहीं होता है. नाउ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उनमें दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं. द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर बाई पेरेंटल सेक्सुअल रिलेशंस में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में हमें मेल और फीमेल दोनों चाहिए होता है, ठीक है. असेक्सुअल में नहीं चाहिए होता है. फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, अभी जस्ट मैंने ये बात कही थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. यंग वंस इनहेरिट सम कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स एंड सम न्यू वंस. जैसे हम लोग अगर अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं, लाइक आप अपने पेरेंट के बच्चे हो, तो आप में कुछ क्वालिटीज़ या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपकी कुछ मम्मी से मिलती होंगी, कुछ पापा से मिलती होंगी, कुछ आपके ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती होंगी. तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं इंसान में या फ्लावर्स में या फिर एनिमल्स में जो अपने पेरेंट्स से हम लोग इनहेरिट करते हैं. लेकिन यहाँ पे असेक्सुअल रिलेशन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसी चीज़ें नहीं होती. उसमें एग्जैक्टली सेम होता है. यंग वंस आर क्लोन्स ऑफ द पेरेंट्स, एग्जैक्टली सेम. अगर आप बडिंग के थ्रू या बाइनरी फिजन के थ्रू या फिर किसी और प्रोसेस के थ्रू कोई प्लांट लगाते हो तो वो एग्जैक्टली सेम वैसा का वैसा ही रिप्रोड्यूस होगा. अगर आप सर्कल सपोज इस तरीके का प्लांट लगाए हो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए, तो आपको उसी तरह का चाइल्ड मिलेगा, उसी तरह का यंग वन मिलेगा. आपको कोई भी डिफरेंसेस इसमें नज़र नहीं आएगी. इट लीड्स टू इवोल्यूशन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, इवोल्यूशन के लिए काम आता है, लोगों को बढ़ाने के लिए, स्पीसीज को इंक्रीज करने के लिए काम आता है. नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, इसलिए यहाँ पे कोई इवोल्यूशन भी नहीं होता है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कोई इवोल्यूशन की ज़रूरत नहीं होती है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमीबाज में होते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये जो है वो मल्टी सेल्यूलर है, जैसा मैंने अभी जस्ट ऊपर में कहा था कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ह्यूमन बींग्स, और अमीबा जो है वो है यूनिसेल्यूलर. यू गाइज मस्ट बी नोइंग अमीबा का कैसा दिखता है.
अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, वो कैसा भी दिख सकता है, और इसमें एक सिंपल सा ये बस एक इतना छोटा सा एक सेल होता है, दैट्स इट। इसके सिवा इसमें और कुछ भी नहीं है, ये है इसका सेल और ये है अमीबा का स्ट्रक्चर। अमीबा किसी भी शेप में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, किसी भी शेप में, इसे कोई जरूरत नहीं पड़ती कोई पर्टिकुलर शेप की या किसी पर्टिकुलर सेल ट्रांसफॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अमीबा किसी भी शेप में किसी भी तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? नंबर वन दैट वी वर टॉकिंग अबाउट वॉज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होते हैं? इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम लोग टोटली 6 तरीके के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। तो उन 6 टॉपिक्स में से द नंबर वन इज बाइनरी फिजन, अ सेपरेशन ऑफ द बॉडी इंटू टू न्यू बॉडीज। एक बॉडी का दो टुकड़ों में बट जाना, उसे हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन। इंटू टू न्यू बॉडीज, इन द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन एन ऑर्गेनिज्म डुप्लीकेट्स इट्स जेनेटिक मटेरियल। डुप्लीकेट्स, जैसा होगा पेरेंट जैसा होगा एग्जैक्टली वैसा ही उसका बेबीज होगा, एग्जैक्टली वैसा ही। और डाई ऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको हम लोग स्मॉल में डीएनए भी बोलते हैं, डीएनए याद रखना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, एंड देन डिवाइड्स इंटू टू पार्ट्स, और फिर वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम लोग साइटोकिनेसिस बोलते हैं। साइटोकिनेसिस, साइटोकिनेसिस, विथ ईच न्यू ऑर्गेनिज्म रिसीविंग वन कॉपी ऑफ डीएनए। और ये जो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, उन दोनों में सेम क्वालिटी का डीएनए आता है। इन द पिक्चर यू कैन क्लियरली सी, ये पेरेंट सेल था, ये अमीबा है। ओके, अमीबा का हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। तो ये जो पेरेंट सेल था, इसमें न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, ये जो वन न्यूक्लियस था इसको हमने यहाँ पे टू में डिवाइड कर दिया, हमने नहीं किया, वो खुद से हो गया। तो न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, एंड देन वो साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हुआ। यहाँ पे तो वो एक ही साइटोप्लाज्म में दो न्यूक्लियस थे, अब दोनों न्यूक्लियस अपने अपने अलग अलग पोजिशंस पे चले गए, एंड देन ब्रेक होके टूट कर दो डिफरेंट स्पीसीज में बट गए। और दोनों एज यू कैन सी बिल्कुल सेम है अपने पेरेंट सेल से। इसकी जो दोनों डॉटर सेल्स हैं वो दोनों बिल्कुल सेम है अपने पेरेंट सेल की तरह। फिर सिमिलरली इनमें भी अगर रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इनके साथ भी वही होगा। ये लोग भी एक न्यूक्लियस बनेंगे, फिर उससे दो बनेंगे, फिर उससे फिर और आगे चल के दो में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये जो दो होंगे ये भी इसी पेरेंट सेल से मिलते जुलते होंगे, हालांकि इनका पेरेंट तो ये होगा लेकिन ये भी तो यहाँ से आए हैं ना। तो ये जो एवोल्यूशन है, ये जो लाइफ साइकिल है, वो कंटिन्यू चलता ही रहेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज मल्टीपल फिशन, द प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच इंस्टेड ऑफ टू डॉटर सेल्स मेनी डॉटर सेल्स आर रिप्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल। यहाँ पे भी पेरेंट सेल से बहुत सारी डॉटर्स आती हैं। जैसे लास्ट में हमने बाइनरी फिजन में देखा था सिर्फ दो डॉटर सेल्स आ रही थी, यहाँ पे बहुत सारी आती हैं। इन दिस द न्यूक्लियस अंडरगोज रिपीटेड डिविजन टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। जैसे यहाँ पे हमने देखा था दो न्यूक्लियस बन रहे थे, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस बनते हैं। ईच न्यूक्लियस अलोंग विद द लिटिल बिट ऑफ साइटोप्लाज्म फॉर्म्स अ मेम्ब्रेन अराउंड इट। और सारे न्यूक्लियस जो होते हैं वो थोड़े थोड़े साइटोप्लाज्म के साथ एक मेम्ब्रेन बना देते हैं वहां पे। इन द पिक्चर यू विल गेट इट मोर क्लियरली, इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि ये एक प्लाज्मोडियम था। ऊपर हमने अमीबा के बारे में पढ़े था, यहाँ हम प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ रहे हैं। प्लाज्मोडियम एक ऐसा स्पीसीज है जिसमें मल्टी सेल्यूलर रिप्रोडक्शन होता है, ये मल्टीपल फिजन होते हैं उसमें। ये जो सेल है, सिस्ट है, इसका जो आउटर पार्ट होता है प्रोटेक्टिव वॉल, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट। साइटोप्लाज्म है ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, दिस ब्लैक कवरेज, एंड देन एकदम अंदर में जो रहता है वो है न्यूक्लियस। अगर ये बहुत सारे क्वांटिटी में होगा तो हम लोग उसको बोलते हैं न्यूक्लियाई। मेनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीपल फिजन, वहाँ पे मल्टीपल फिशन होते हैं और बहुत सारे डॉटर्स को ये क्रिएट करता है, आई मीन बहुत सारे यंग वंस को क्रिएट करता है। एंड देन
वो जब बहुत सारे हो जाते हैं तो उसका जो प्रोटेक्टिव वॉल रहता है, सिस्ट रहता है, वो ब्रेक कर जाता है और वो सारे डॉटर सेल्स जो होते हैं वो आउट हो जाते हैं. तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिशन. नाउ नंबर थ्री इज फ्रैगमेंटेशन. इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स फ्रैगमेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जैसे हम लोग ऊपर बात कर रहे थे कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के लिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना इज ओके, बट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमन बींग नहीं. तो कौन होता है? इस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं. यहाँ पे एज यू कैन सी ये जो फ्रैगमेंटेशन हो रहा है यहाँ पे वो किस तरह से हो रहा है. इज अ फ्रैगमेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ऑर्गेनिज्म इज स्प्लिट इन टू फ्रैगमेंट्स. जो मदर पेरेंट होते हैं या फिर जो पेरेंट सेल होते हैं वो टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं और जहाँ से टूटते हैं, जिस भी जगह से टूटते हैं, वहीं से दूसरा इंडिविजुअल ग्रो करना स्टार्ट कर देता है. इन दिस पिक्चर यू कैन सी ये एक स्टार फिश था. देन ये इसका यहाँ का पार्ट एक टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया. तो ये जो पार्ट टूटा हुआ था वही फिर से रिप्रोड्यूस करके एक नया बेबी में इवॉल्व हो गया और ये जो टूट गया था यहाँ से वो भी फिर से बड़ा हो गया. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन. जो पार्ट जहाँ से टूटेगा वो वहीं से फिर से एक नया क्रीचर को डेवलप करना शुरू कर देगा. दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन. कमिंग टू बडिंग, द फोर्थ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट इज़ अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप्स फ्रॉम एन आउटग्रोथ और बड ड्यू टू सेल डिविजन एट वन पर्टिक्यूलर साइड. इसमें क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये टाइप है जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म बर्थ होता है, डेवलप करता है, लेकिन बडिंग से आई मीन एक ऐसा बर्ड आउटग्रोथ होता है, एक छोटा सा कोई बॉडी पार्ट निकलता है और निकल के वो वहीं पे बड़ा होते 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 देन फाइनली टूट जाता है अपने पेरेंट से एंड अपना न्यू ग्रोथ स्टार्ट करता है. इन द पिक्चर यू कैन सी ये एक हाइड्रा है. हाइड्रा इज ऑल्सो एन स्पीसीज. हाइड्रा में यहाँ पिक वन में आप देख रहे हो एक छोटा सा बडिंग इसमें आया हुआ है, एक छोटा सा बर्ड. ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग बडिंग बोलते हैं. यहाँ एक छोटा सा बर्ड आया हुआ है, ये थोड़ा सा और डेवलप हुआ, देन और डेवलप हुआ स्टेज थ्री में एंड देन यहाँ पे आते आते यहाँ से ब्रेक कर गया और ब्रेक करके एक नया स्पीसी बन गया. ओके, तो एक छोटा सा बर्ड डेवलप करते 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 अपने पेरेंट सेल से अलग हो गया और न्यू स्पीसीज बन गया. इसको हम लोग बोलते हैं बडिंग. ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है. द नेक्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. इट इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकरिंग इन प्लांट्स इन विच अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ फ्रैगमेंट ऑफ द पेरेंट प्लांट और अ स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकरिंग इन प्लांट्स, जो कि बेसिकली प्लांट्स में होते हैं. इन विच अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ फ्रैगमेंट. न्यू प्लांट आते हैं किससे आते हैं, फ्रैगमेंट से आते हैं, ऑफ द पेरेंट प्लांट, पेरेंट प्लांट के फ्रैगमेंट से. और अ स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या फिर कोई स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी हो सकता है. मिनी प्लांट्स नेचुरली रिप्रोड्यूस दिस वे. इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है. बट इट कैन ऑल्सो बी इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली. लेकिन इसे आप आर्टिफिशियली भी कर सकते हो, लाइक आप जानबूझ के भी ऐसी चीज़ें कर सकते हो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हो जिससे कि रिप्रोडक्शन हो. इन द पिक्चर शूट हेल्ड बिलो सॉइल. यहाँ पे एक प्लांट था जिसका कोई एक शूट जो था वो या तो फोर्सफुली आई मीन आर्टिफिशियली जो हमने यहाँ पे बात की, या तो आर्टिफिशियली उसको ज़बरदस्ती सॉइल के नीचे दबा दिया गया, या तो वो नेचुरली वैसे ग्रो किया होगा कि वो यहाँ पे सॉइल के नीचे दब गया. अब दब तो गया और धीरे 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 फर्टिलाइज होते होते आई मीन ग्रो करते करते, फर्टिलाइजेशन तो होती नहीं है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ग्रो करते करते वो एक न्यू प्लांट का फॉर्म में आ गया क्योंकि इसे सारी
वैसे एनवायरनमेंट मिल रहे थे जो उसे चाहिए थे, तो यहाँ से ये धीरे 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 ग्रो करने लगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जिस प्लांट में जो क्वालिटी थी वो सेम क्वालिटी की प्लांट यहाँ पे रिप्रोड्यूस हो रही है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यही खासियत है कि वो जिस तरह का पेरेंट होता है एग्जैक्टली सेम वैसा ही यंग वन भी रिप्रोड्यूस करते हैं। द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड स्पोर्स। जो पेरेंट प्लांट होते हैं यहाँ पे वो बहुत सारे रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को बर्थ देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोर्स। स्पोर्स से ही इसका प्रोसेस बना है, स्पोर फॉर्मेशन का नाम दिया गया है इसे। द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। आप याद रखोगे कि यहाँ पे जो पेरेंट प्लांट है वही इसका रिप्रोडक्टिव यूनिट बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोर्स। व्हेन द स्पोर केस ऑफ प्लांट बर्स्ट देन द स्पोर्स स्प्रेड इनटू एयर। जब ये स्पोर केस जो होता है, ये जो हमारा यहाँ पे पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं, ये जो स्पोर केस है ये जब बर्स्ट करता है, तब इसके अंदर में जितने भी स्पोर्स बने हुए होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्पोर्स जो जनरेट हुए हुए रहते हैं, वो सब एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू फैल जाते हैं अपने आसपास के लोकेलिटी में। अंडर फेवरेबल कंडीशंस दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट। और फिर जहाँ भी जाके वो मिट्टी में रह जाते हैं वहीं पे न्यू प्लांट बनना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्लांट, इफ यू हैव सीन, कॉटन प्लांट में भी कुछ ऐसा ही होता है। कॉटन प्लांट में भी पहले इसी तरह का कुछ बॉल जैसा बना हुआ रिप्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस होता है, फॉर्म होता है। देन वो बड़ा होते 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 एक टाइम आता है जब वो बर्स्ट कर जाता है, तो उसके अंदर जितने भी सीड्स होते हैं, ये जो स्पोर्स होते हैं, वो सब आसपास के एरियाज में बिखर जाते हैं। फिर या तो हवा के थ्रू या तो पानी के थ्रू, आउटर सोर्सेज जो भी हों उनके थ्रू वो आसपास के जगह पे फैल जाते हैं और उसमें से न्यू प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने जैसे कॉटन का एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे उसके लिए हमने राइजोपस का एग्जाम्पल लिया है। राइजोपस में भी वही होता है, इसके जो सॉल्ट सॉरी इसके जो स्पोर्स होते हैं वो इस स्पोरांजियम में इंक्लूडेड रहते हैं, इसके अंदर बंद रहते हैं, लेकिन वो जैसे जैसे ग्रो करते हैं, बड़े होते जाते हैं, ये जो स्पोरांजियम है वो बर्स्ट कर जाता है और सारे स्पोर्स एयर के थ्रू और वाटर के थ्रू एनवायरनमेंट में बिखर जाते हैं और बिखर के नए नए प्लांट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आई होप दिस वीडियो हैज़ क्लियर्ड ऑल द थिंग्स दैट यू वर एक्साइटेड टू नो अबाउट और वॉन्टेड टू नो अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में सिर्फ यही दो हैं, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। रिप्रोडक्शन का हमने डेफिनेशन पढ़ा इन अ शॉर्ट वे, रिप्रोडक्शन का मीनिंग पढ़ा, इसके टाइप्स पढ़े, डिफरेंसेस पढ़े, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं वो पढ़े, मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, आज तो हमने असेक्सुअल कंप्लीट किया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो किन में होते हैं और उनका प्रोसेस क्या है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।